बीए फाइनल ईयर के सभी भूगोल विषय के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारे वीडियो चैनल में स्वागत है। छात्रों, पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में हम कह लें, क्योंकि अब तो क्लास तो वीडियो से ही चल रही है तो हम वीडियो ही कहेंगे। पिछले वीडियो में हमने उद्योग और औद्योगिक विकास के बारे में बात की थी और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किस तरह से भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, इस बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही विनिर्माण का अर्थ या उद्योग का अर्थ हमने देखा था। उसी के क्रम में आज हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जो सभी उद्योगों को आधार प्रदान करने वाला उद्योग माना जाता है। तो इसी लौह इस्पात उद्योग की हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये किस प्रकार का उद्योग है। तो छात्रों, यह एक धात्विक उद्योग माना जाता है। धात्विक उद्योग का क्या मतलब हुआ? जिनमें धातुओं का उपयोग होता है वो धात्विक उद्योग है। विभिन्न धात्विक खनिजों को आधार बनाकर जो उद्योग स्थापित किए गए उन्हें धात्विक उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात, एल्यूमिनियम और तांबा उद्योग। अब हम बात करते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री या लौह इस्पात उद्योग, जिसे आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास को सुदृढ़ता प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। इस उद्योग की स्थापना परिवहन लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, क्योंकि यह एक भारी राशि उद्योग है। राशि उद्योग मतलब जिसके वजन में कमी आती है। कच्चे पदार्थ के अगर तैयार माल के स्थान पर कच्चे माल का परिवहन किया जाए, तो जब कच्चे माल से तैयार माल बनता है तो उसमें वजन क्षय होता है और ऐसी स्थिति में अनावश्यक परिवहन खर्च वहन करना होता है, जो नुकसानदायक होता है। इस उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि का प्रयोग होता है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारक जैसे कच्चा माल, बाजार या पत्तन की सुविधा, बंदरगाह की सुविधा, आंतरिक परिवहन सुविधाएं, सरकार की नीतियां आदि मुख्य हैं। लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति एक चार्ट में मैं आपको बता देता हूं। जो भारत के उद्योग स्थापित हुए हैं वो किस आधार पर और कहां कहां स्थापित हुए हैं। जो लौह इस्पात कारखाने हैं उनकी अवस्थिति कहां कहां होती है? एक तो जहां कोयले की अधिकता हो, अथवा लौह अयस्क के निकट या लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हों, जहाँ कोयला और लौह अयस्क दोनों हों उनके मध्य की स्थिति, और तटीय यातायात सुविधा वाली स्थिति। अब कोयला क्षेत्र के निकट भारत के कौन से उद्योग हैं, अर्थात लौह इस्पात उद्योग हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना है, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी के कारखाने, दुर्गापुर और बोकारो, ये कारखाने कहाँ हैं? कोयला क्षेत्र के निकट। लौह अयस्क के निकट जिनकी स्थापना हुई है उनमें भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विजयनगर और सेलम तमिलनाडु। कोयला और लौह अयस्क के मध्य वाले क्षेत्र में जो स्थापना हुई है वो केवल जमशेदपुर के लौह इस्पात उद्योग की है। विशाखापट्टनम सबसे पहले तटीय क्षेत्रों में अवस्थित कारखाना है और गोपालपुर दूसरा। तो इस तरह से हम लौह इस्पात कारखानों की भारत के संदर्भ में अवस्थिति को बता सकते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास क्रम की शुरुआत 1974 से होती है, जब सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापना की गई। आगे चलकर बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया। TISCO, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में JN टाटा ने की थी और झारखंड राज्य के जमशेदपुर में साक्ची नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। यह कारखाना स्वर्ण रेखा और खरकई नामक नदियों के संगम पर स्थापित हुआ।
टिस्को को लौह अयस्क, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में है, सिंहभूमि के नोवा मुंडी से और कोयले की प्राप्ति झरिया और बोकारो से होती है। टिस्को को जहाँ कोलकाता के रूप में बंदरगाह सुविधा प्राप्त है, वहीं बिहार और यूपी के सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति होती है। तो यह उद्योग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी, सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे और कच्चा पदार्थ और शक्ति के साधन उपलब्ध थे, इस वजह से यहाँ इसकी स्थापना हुई। दूसरी कंपनी इसको IISCO, इसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, 1918 में बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई। इसको कोयले की प्राप्ति रामगढ़, नूनडीह और झरिया की खदानों से, लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा की खान सिंहभूमि अर्थात झारखंड से, और चूना पत्थर की प्राप्ति पारा घाट से होती है। वहीं उड़ीसा के बांस पानी से मैग्नीज की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अनुकूल दशाएं बताई गई जिसकी वजह से यहाँ इसकी स्थापना हुई। इसको को बंदरगाह की सुविधा कोलकाता और हल्दिया से, जल विद्युत दामोदर घाटी से, बाजार कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश से, और परिवहन की सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे मार्ग से प्राप्त होती है। हम ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी उद्योग जब किसी स्थान पर स्थापित होता है, जैसे अगर लौह इस्पात की ही बात करें, तो इस लौह इस्पात के लिए हमें सबसे पहले कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होगी, और अगर ये कच्चा माल अगर दूर से लाया जाएगा तो उसका परिवहन खर्च बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात, इसमें शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोयले का उपयोग करते हैं, तो कोयला भी अगर निकट से प्राप्त हो जाता है तो उसका भी परिवहन खर्च बच जाता है। तो ये सारी अनुकूल दशाएं देखकर ही उद्योगपति अपने उद्योग की स्थिति निर्धारित करता है, जिससे उसे अधिकतम लाभ मिल सके और न्यूनतम खर्च में उत्पादन हो सके। अगला है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, VISL। इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर हुई। इसको लौह अयस्क बाबा बोधन की पहाड़ी जो केमन गुंडी की खान है वहाँ से, जल विद्युत जोग प्रपात और शरवती परियोजनाओं से मिलता है। ये ऐसा उद्योग है जो कोयला क्षेत्रों से दूर स्थापित किया गया, लेकिन इसे जल विद्युत सुविधाएं प्राप्त हैं। HSL, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, 1955 पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच भिलाई में इस प्लांट की स्थापना के लिए समझौता हुआ और 59 में उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ पर कोयले की प्राप्ति कोरबा, बोकारो और झरिया से होती है। लौह अयस्क दिल्ली दल्ली राजहरा से, मैग्नीज बालाघाट और भंडारा से, और विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। राउरकेला, ये जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के शंख और कोइल नदियों के संगम पर स्थापित हुआ। इसे भी झरिया और कोरबा से कोयला, जल विद्युत हीराकुंड परियोजना से और हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से परिवहन सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गापुर का कारखाना बंगाल के वर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ, जिसे रानीगंज से कोयला, झरिया और बाराकर की खानों से भी कोयला, लोएस्क सिंहभूमि से, जल विद्युत दामोदर नदी घाटी से और परिवहन सुविधा कोलकाता दिल्ली राजमार्ग से प्राप्त होती है। ये तीनों कारखानों का आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में, और बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से कारखाने की स्थापना की गई। बोकारो का प्लांट भी सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के तट पर स्थापित हुआ। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास स्थित है, ये ऐसा औद्योगिक संयंत्र है
जो भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना कहलाता है, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। इसको जो लोहा अयस्क मिलता है वो बेलाडीला की खान से और दामोदर घाटी से ऊर्जा की प्राप्ति कोयला के रूप में होती है। सलेम तमिलनाडु में शेवराई की पहाड़ियों में जहाँ लोहा अयस्क का भंडार है वहाँ इसकी स्थापना की गई। नेवेली से लिग्नाइट कोयला मिलता है। विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटक के बेलारी के होस्पेट क्षेत्र में तुंग भद्रा जलाशय के निकट स्थापित किया गया है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी से लोह अयस्क, चिकमंगलूर हॉस्पेट क्षेत्र से भी लोह अयस्क मिल जाता है और तुंग भद्रा परियोजना से और कोयला तेलंगाना के सिंगरेनी खान क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है। ये एक आप मैप देखिए जिसमें अभी तक हमने जो भी इस्पात के संयंत्र देखे हैं उनका उल्लेख किया गया है। आप ये देखिए बोकारो, आसनसोल, बनपुर, कुलटी, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई है ना, ये समुद्र तटीय, विशाखापट्टनम, इधर भद्रावती और तमिलनाडु के सलेम, तो ये मुख्य हमारे इस्पात के कारखाने हैं। अब इस्पात कारखानों के साथ ही कुछ समस्याएं हमारे उद्योग के अंतर्गत हैं जिन्हें जानना जरूरी है ताकि हम औद्योगिक विकास को निर्बाध गति से आगे बढ़ा सकें। भारत में लौह इस्पात को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे पहली और मुख्य समस्या है पूंजी की कमी। भारत के अन्य सभी विकास कार्यक्रमों की तरह इस उद्योग को भी पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है। लौह इस्पात कारखाने हेतु बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और इसी वजह से अधिकांश कारखाने केवल सरकार द्वारा या सरकारी सहायता से ही संचालित होते हैं। दूसरा जो समस्या है इस उद्योग के विकास के अंतर्गत वो है स्वदेशी तकनीक की कमी। भारत में लौह इस्पात के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक की कमी इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण बाधा रही है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सभी कारखाने विदेशी सहायता से स्थापित हुए और इसी वजह से इस पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ा। कोयले की कमी, देश में लोहे की मात्रा तो प्रचुर है लेकिन इसमें कोयले की बहुत कमी है और अगर कारखानों की संख्या बढ़ती है तो कोयले का अभाव हमारे लिए संकट का विषय है। परिवहन का जो विकास होना चाहिए वो उस स्तर का नहीं है। कच्चा माल बहुत भारी होता है जिसे सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है और भारत में यह कच्चा पदार्थ मुख्य रूप से रेल द्वारा लाया और ले जाया जाता है जो काफ़ी महंगा पड़ता है। यदि इसकी अपेक्षा जल यातायात संभव होता तो काफ़ी सस्ता होता। प्रायः रेल के डिब्बों और इंजनों की कमी महसूस की जाती रही है। तो इस तरह से हमने आज लौह इस्पात उद्योग और इसके विभिन्न कारखानों की स्थापना के बारे में देखा, कितने कारखाने कहाँ स्थापित हैं और किसके सहयोग से स्थापित किए गए हैं और इस उद्योग के विकास में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पुनः अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।